हेलो गाइस, वेलकम टू द येट अदर एपिसोड ऑफ द मेडिकल अड्डा गाइस, जहां पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। मेडिकल वर्ल्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन, सभी चीज़ें यूज की जाती है। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि पीएमओ लाइन को कैसे यूज किया जाता है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती है और किन किन कंडीशन में उनको यूज नहीं करना होता है। उनका एक डेमो वीडियो भी मैंने बना के चैनल पे डाला है, आप वहाँ पे जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड वीडियो बनाया था, वो था हमारा थ्री वे स्टॉप कॉक के बारे में। थ्री वे लाइन कैसे हम मेंटेन करते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, नोब को घुमा के किस प्रकार से मेडिसिन का फ्लो किया जाता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी बताई है। तो गाइस, आईवी कैनुला से लेके आईवी बॉटल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, उनके ऊपर में ये वाली पूरी सीरीज है। तो आपने पिछले भी दोनों वीडियो नहीं देखे, पीएमओ लाइन और थ्री वे स्टॉप कॉक के ऊपर में, वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद में थर्ड इस वीडियो पे आप आइए। गाइस, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सटेंशन लाइंस का यूज ही क्यों करते हैं जब कैनुला का ऑलरेडी पोर्ट होता है, जो अम्बिलिकल लाइन, सेंट्रल लाइन सभी में फीमेल पोर्ट होता है, तो क्यों ना हम एक सीरीज में ही मेडिसिन भर के और उसको पुश कर दे। लेकिन कई बार गाइस, मेडिकल लाइन में बहुत सारी कंडीशंस आती है जब पेशेंट को एक से ज़्यादा टाइप की मेडिसिन, फ्लूड या एंटीबायोटिक्स को हमें एडमिनिस्टर करना होता है, और जब हम इस थ्री वे स्टॉप कॉक से अगर मेडिसिन्स देते हैं तो ये वाला पार्ट जब कैनुला में अटैच होता है तो ये वाली दूरी बहुत कम रह जाती है। इसकी दूरी आप देखोगे तो मात्र 2 इंच तक ही आपको नज़र आएगी। तो इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन कैरी करने का जो वे है वो बहुत फास्ट हो जाता है। कई बार अगर हम इन पोर्ट्स को क्लीन नहीं करते हैं और इसी से ही मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो पहली वजह तो ये है कि थ्री वे स्टॉप कॉक के बजाय इसको प्रेफर किया जाता है। अब सेकंड बात आ जाती है कि इसमें आप देख रहे हो तो 2 पोर्ट ही हम दे सकते हैं। हमें इसमें अगर ज़्यादा मेडिसिन देनी है तो वहाँ पे ये थ्री वे स्टॉप कॉक काम नहीं आता है। तो वहाँ पे हमारे पास में ये जो ट्रायो एक्सटेंशन लाइन है वो काम आती है, इसमें 2 से ज़्यादा मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें इसकी दूरी के अलावा इसको इंडिविजुअली लॉक करने के लिए, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला मैटर होता है। कई बार इसको हम इस प्रकार से घुमा देते हैं, कई बार इस प्रकार से घुमा देते हैं, तो ये सभी चीज़ें कंफ्यूजन करने वाली होती है। और एक जो मेडिकल न्यू कैंडिडेट है, न्यू मेडिकल पर्सोनल है, उसको इसको समझने में प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन वहाँ बात करें हम इसकी, तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है। गाइस, पीएमओ लाइन जो होती है वो काफ़ी एक्सटेंडेड वर्जन होता है, बहुत लंबी होती है और वो सिरिंज पंप से कैनुला के बीच तक की दूरी को कवर करती है। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसके अंदर में हमें इतनी लंबी लाइन से कुछ नहीं देना होता है, लेकिन जो कैनुला का फीमेल पोर्ट होता है या फिर अम्बिलिकल लाइन, सेंट्रल लाइन, उन सभी के पोर्ट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और साथ ही साथ ज़्यादा मेडिसिंस को हम एक साथ में एक ही लाइन में दे सके, तो उसके लिए हम इन सभी एक्सटेंशन लाइंस का यूज करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बात हो गई है कि कैसे एक एक्सटेंशन लाइन थ्री वे या फिर पीएमओ लाइन से बेटर होती है। अब इसके अलावा इस लाइन के कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ट्रायो होती है या डीओ होती है, तो उनके अंदर में बहुत सी बार कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं कि इतनी सारी लाइन है, मान लीजिए इस लाइन के अलावा भी एक लाइन और डली हुई है, तो ये 5 या 6 ऐसी चीज़ें पोर्ट्स गिरी हुई सी या लटकी हुई सी दिखती है, तो उनकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। दूसरी, इसके अलावा जो इसकी जो प्राइम वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ पर हम जो इसका डेड स्पेस है या प्राइम वॉल्यूम है वो बिल्कुल नील के बराबर होता है, तो जो हमारा मेडिसिन का लॉस होता है, अगर लो क्वांटिटी में मेडिसिन देनी होती है तो वो थ्री वे स्टॉप कॉक से बहुत ईजी से दे सकते हैं। यहाँ पे देने के लिए हमारे जो एक्स्ट्रा मेडिसिन का लॉस है वो होता है। तो गाइस, इसको मिनिमम हम 72 आवर्स तक हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद में इस वाली एक्सटेंशन लाइन को चेंज करना ही होता है। और
स्टोव कोक वाली बात करें तो ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है और यहाँ पे जो ये एक्सटेंशन लाइन से इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये भी इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। तो गाइज ये मेन पॉइंट्स है जो हमें स्टोव कोक और ये एक्सटेंशन लाइन को यूज़ करने के दौरान हमें याद रखना होता है। तो अब बात कर लेते हैं इन्हीं एक्सटेंशन लाइंस के बारे में कि ये क्या होती है, कैसी होती है। बहुत सारे लोगों ने इनको देखा भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस मोनो एक्सटेंशन लाइन की। एक्सटेंशन लाइन इस प्रकार से होती है, आप देख पा रहे हो इसकी जो लेंथ होती है गाइस वो है 10 सेंटीमीटर की और इसकी जो प्राइम वॉल्यूम है वो है 0.25 ml। प्राइम वॉल्यूम क्या होती है इसके बारे में पिछले वीडियोस भी मैंने अच्छे से बताए हुए हैं, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर में आप देखिए ये एक वाइट कलर का लॉक सिस्टम है, इंडिविजुअली लॉक सिस्टम। तो ये एक तरीके से जो लाइन है वो दो टाइप की सिक्योरिटी के साथ में आती है। फर्स्ट, अगर आप इसको इस प्रकार से कैनुला में कनेक्ट कर दोगे, मेरे पास में थ्री वे है लेकिन ये कैनुला का पोर्ट भी सेम होता है तो मैंने उसके लिए एक तरीके से बताया है। अब अगर आप कलेक्ट कर दोगे इसके बाद में कोई भी फ्लूड अगर बैक ना हो तो इसके लिए इसको लॉक करने का सिस्टम है। इस प्रकार से आप लॉक कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर लॉक करना बाय द वे आप भूल जाते हो तो भी इसके पीछे की तरफ आप देखिए जो फीमेल रिसीविंग पोर्ट है उसके अंदर में भी एक लॉक सिस्टम बना हुआ है, वो वन वे होता है। आप चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से आपने इसको ओपन छोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है और ये वाला लॉक अगर नहीं लगाया है तो भी बैकफ्लो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं डीओ एक्सटेंशन लाइन के बारे में। तो ये हमारे पास में डीओ एक्सटेंशन लाइन है, ये हमेशा अगर आप रैप से निकालोगे तो इस प्रकार से सेफ्टी कैप के साथ में ही आती हैं और इसके अंदर में दो पोर्ट्स होती है इसलिए इसको डीओ कहा जाता है। और पीछे की तरफ में जो स्टैंडर्ड वन वे लॉक होते हैं वो दोनों में ही होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो प्रकार के जो कि कलर कोडिंग के हिसाब से दिए हुए लॉक है। अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप दो या तीन लाइन आप एडमिनिस्टर कर रहे हो। मान लीजिए एक में फ्लूड लगा हुआ है, इस वाली लाइन में आइनोट्रॉप साथ में चल रहे हैं, आप अगर कंफ्यूज है तो इसके लिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि ब्लू वाली लाइन में ये चल रहा है और वाइट वाले लॉक वाली लाइन में ये चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं जो कंपनी मैन्युफैक्चरर है उनको मैं थम्सअप देना चाहता हूँ कि जो भी मेडिकल पर्सोनल्स है उनकी लाइफ को बहुत ईजी बनाने के लिए आपके जो इन्वेंशंस है वो बहुत अच्छे होते हैं। अब इसकी लेंथ की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर की लेंथ है, लेंथ बढ़ गई है इस वजह से इसकी जो प्राइम वॉल्यूम है वो भी बढ़ गई है। दोनों लाइंस को प्राइम करेंगे और उसके बाद इसको यूज करेंगे तो इसकी प्राइम वॉल्यूम 0.35 ml हो जाती है। थर्ड वन हमारे पास में है गाइस, ओपन कर लेते हैं इसको, ये है ट्रायो। ये कंपनी का थोड़ा सा फर्क है, बाकी ट्रायो वाली सेम ही चीज़ है और इसमें भी आगे की तरफ ये वाला लीवर लॉक सिस्टम के साथ में आप यहाँ पे मेल पोर्ट देख सकते हो और यहाँ पे तीन लाइन है 1 2 3। अगर फोकस का इश्यू आ रहा है तो गाइज आप देखिए, बिल्कुल मैं पास में दिखा देता हूँ, यहाँ पे तीन लाइन बनी हुई हैं। आप तीनों लाइन को कैसे यूज करते हैं आपको ऑलरेडी पता ही है। तो फर्स्ट लाइन में अगर मान लीजिए एक मेडिसिन लगी हुई है, सेकंड लाइन में कुछ और एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं तो हम आसानी से तीनों लाइनों में दे सकते हैं। पीछे की तरफ जो इसका पोर्ट है वो सेम जो मोनो और ट्रायो में होता है वो ही पोर्ट होता है। इसकी प्राइम वॉल्यूम 0.5 ml है तीनों को मिला के। इसके अलावा इसमें तीन लॉक दिए हुए हैं जो इंडिविजुअल लाइन को आपको बंद कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको इसमें अलग से है कि इस बटन को ऐसे प्रेस कर देना है तो ये लॉक हो जाता है। ये वाली भी एक अच्छे इन्वेंशन वाली बात है, इसको पकड़ के एक हाथ से लॉक कर दीजिए। ठीक है गाइस, पिछले वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको एक हाथ से लाइन को पकड़ना है और उसके बाद में इस प्रकार से दोनों हाथों से करके ही इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बंद करने की बारी आती है तो मान लीजिए ये कैनुला में लगा हुआ पार्ट है, इस लाइन को बंद करना है तो सिंगल हैंडली ऑपरेट हम इस प्रकार से प्रेस करके बंद कर सकते हैं।
तो ये भी एक अच्छा इन्वेंशन है। तो गाइस तीनों ही लाइन हमारे पास में हो चुकी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी आपके मेडिकल पर्सनल वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। द मेडिकल अड्डा पे हम ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स हो या इक्विपमेंट्स हो, मेडिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक्सप्लोर करते हैं, और आपको जो एक्चुअल जो लाइफ में यूज़ होती है वो सभी चीज़ें डेमो के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है तो आप कमेंट करके भी बताइए, और मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी अदर वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जल्द से जल्द हमारी टीम उन सभी टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो बनाने की कोशिश करेगी। तो गाइस PMO लाइन के बारे में आप जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और इस 3-way stroke कोक के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।